भारतीय जनता पार्टी की पांचवी सूची जारी हो गई है। इसमें पवई विधानसभा से पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी पर एक बार फिर भरोसा कायम रखते हुए अपना उम्मीदवार बनाया। सूची जारी होते ही प्रहलाद लोधी व उनके समर्थकों में खुशी का माहौल देखा गया और आतिशबाजी की गई। साथ ही प्रहलाद लोधी समर्थकों के साथ माँ कल्ही देवी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना करते हुए माँ का आशीर्वाद लिया। प्रहलाद लोधी ने कहा कि ये टिकट जनता की उम्मीद पर मिला है। उन्होंने केंद्र व प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देते हुए पवई क्षेत्र में विकास कार्य करने की बात कही। इस दौरान सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। माता कल्ही के चरणों में सिर झुका के माता टेक के चरण वंदन करता हूँ। भाटे वाले हनुमान लाल जी महाराज के चरणों में चरण छुकर के वंदन करता हूँ। हमारी माता कंकाली मैया के भी चरणों में चरण छुकर के प्रणाम करता हूँ और क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल जनता जनार्दन को भी चरणों में मैं चरण छूकर के प्रणाम करते हुए ये टिकट पवई क्षेत्र की कार्यकर्ता और जनता के आवाज़ की विश्वास की टिकट है और मैं आभार प्रकट करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से परिवार के वो 5 साल से लगातार संघर्ष परेशान रहा फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया। ऐसे देश के ऐसे भी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नमन करते हुए देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय परम सम्मानी जेपी नड्डा जी के चरणों में नमन करते हुए प्रदेश के नेतृत्व के मुखिया और प्रदेश के एसएसबी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पितातुल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के चरणों में नमन करते हुए